वरि वर्कू क्या हाल है आपके सब ठीक ठाक उम्मीद तो हरिथ होंगे एक और स्टूडेंट एक और प्यारे भाई ने कोर्सरा से जो है अपनी एक स्पेशलाइजेशन या एक कोर्स जो है उसको फ़्री में अनलॉक कर लिया बेसिकली जो पेड कोर्स होता है कोर्सरा पर उन्होंने उसको फ़्री में अनलॉक कर लिया मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कंग्रेचुलेशन यू हैव बिन अ प्रूफ फाइनेंशियल एड कंग्रेचुलेशन यू फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ ठीक है और ये क्या लिख रहे हैं इस्लाम ब्रदर आई होप यू आर डूइंग वेल जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट द चांस टू अपग्रेड माई सेल्फ इन सोशल मीडिया मार्केटिंग आई विल भी लर्निंग इट फ्राम द बिगेस्ट कंपनी मेटा ऑन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म कोर्स एर आर थैंक यू सो मच फेसबुक की यानी कि मेटा वालों की स्पेशलाइजेशन पड़ी हुई है मेरे ख्याल से तीन कोर्सेज़ की स्पेशलाइजेशन है जो कि कोर्स एरा पे पड़ी है और वो पेड स्पेशलाइजेशन है ठीक है मैंने इस पर कोर्स एरा पे, एर पे बेशुमार वीडियोस बनाई हैं और मैंने आप लोगों को बेसिकली वो तरीका बताया कि आप कैसे किसी भी पेड कोर्स को और किसी भी पेड स्पेशलाइजेशन को उसमें चार हैं पाँच हैं छः हैं या सात सब्जेक्ट्स हैं जितने भी हैं जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सबको आप वन गो में अनलॉक कर सकते हो पेड कोर्सेज़ को आप आसानी से फ्री में कैसे हासिल कर सकते हो उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे देने हैं असाइनमेंट्स कैसे देनी है और आपने जब आप एटी परसेंट मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट भी उस कोर्स का या स्पेशलाइजेशन का कोर्स है मिल जाता है तो ये एक और भाई है इन्होंने उस वीडियो को देखा उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया मेहनत इनकी अपनी है देखिए मेरा काम है वीडियो बना के मैंने आपसे स्ट्राटीज शेयर कर दी अब ये इन भाई की मेहनत है इन्होंने सब कुछ इस पर अपना ध्यान दिया और जाके जब इन्होंने स्पेशलाइजेशन के लिए या कोर्स के लिए अप्लाई किया उस तरीके से तो इनको वो चीज़ का फ़ायदा ये मिला कि इनका वो जो कोर्स है या स्पेशलाइजेशन है वो उनकी अनलॉक हो गई है तो मैं हमेशा कहता हूँ जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ यही मेरी एक्चुअल कमाई है यही मेरी जिसे कहते हैं ना असल कामयाबी यही है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी किसी को मेरी कोई वीडियो या मेरी कोई बात फ़ायदा दे जाती है तो इन रिटर्न मैं क्या कहता हूँ मुझे सिर्फ दवाओं में याद रखना मेरी फैमिली को दवाओं में याद रखना ठीक है तो ये आप देख सकते हैं माशाला एक और बच्चा है ठीक है जी जिसने कोर्स वैरह से जो है जी इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उनका कोर्स जो है पेड कोर्स है बेसिकली मेटा की स्पेशलाइजेशन है कोर्स थेरापे भी जाओ चेक कर लो इन्होंने फ्री में इसको अनलॉक कर लिया है मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ कोर्स वैरा पर वीडियो बना के जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी हुई है कि आप कैसे किसी भी कोर्स को किसी भी स्पेशलाइजेशन को आप जो है जी फ्री में अनलॉक कर सकते हैं मैंने मजीद दो वीडियोज़ अभी तो और बनाई हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीका बता दिया कि अगर आपने किसी कोर्स को पेड कोर्स को कोर्सरा से आपने फ्री में करना है उसका प्रोसीजर क्या है मैंने आपसे वो भी बता दिया है और मैंने एक ये भी वीडियो बना दिया है अक्सर लोग पूछते हैं भाई स्पेशलाइजेशन को हमें अकेले के लिए अप्लाई करना पड़ता है उसके हर कोर्सेज़ के लिए तो कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं कि हम एंटायर स्पेशलाइजेशन यानी पूरी स्पेशलाइजेशन को क्या वन को में अनलॉक कर सकते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी इनशाला कुछ ही आ, दिनों में मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा तो आपने पूरी बेशक स्पेशलाइजेशन अनलॉक करनी है पेड स्पेशलाइजेशन या आपने को कोई पेड कोर्स अनलॉक करना है तो मैं आपसे उसकी वीडियो शेयर कर दूँगा उसको जाइए वहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं और सर आपको जजाकला आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैंने मैंने कंग्रेचुलेशन अब आप सीखें Uh, इस वाली स्पेशलाइजेशन से क्योंकि मैंने भी याद है मुझे मेरी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन है लेकिन चूँकि मेटा के लिए मैंने भी अप्लाई किया हुआ था मेरी भी अनलॉक हो गई है मुझे जैसा ही टाइम मिलेगा तो मैं भी इसके तीनों कोर्सेज है प्रॉपर तरीके से पढ़ के उसके एक असाइनमेंट्स सेनमेंट्स वगैरह देकर एक एप्सन प्रोजेक्ट्स दे के फिर मैं इन आप लोगों से उसके सर्टिफिकेट्स भी शेयर करूँगा तो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो और मेरा काम है इंफॉमेशन प्रोवाइड करना मेरा काम है स्टार्ट प्रोवाइड करना ये वीडियो उसके लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिजल्ट भी दिखा दूँ ठीक है तो अब आप क्या फ्यूचर आपके हाथ में है आपने क्या करना है यह आप बेहतर जानते हैं नडिय सारा ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद